वेलकम टू कैप्टन एक्शन फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आईबीपीएस ने कुछ वैकेंसीज निकाली है। क्लर्क की वैकेंसी है और करीबन 1500 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो न्यू वैकेंसी आई है 2020-2021 वाली, उसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट कितनी होना चाहिए, फॉर्म कब से भरोगे, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आईबीपीएस वैकेंसीज की, और यहाँ पर जो पोस्ट हैं, क्लर्क की पोस्ट है और नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, कितने हैं, 1557 हैं। 1557 टोटल पदों की वैकेंसी हैं। यहाँ पर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की, उम्र की। तो आपकी उम्र होना चाहिए कम से कम आप 20 साल के होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 20 वर्ष की आयु आपकी होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष वाले, कम से कम 20 और अधिक से अधिक 28, इन दोनों के बीच के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आप एक अच्छी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। एज लिमिट मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो 2 सितंबर 2020 से लेकर लास्ट डेट है इसकी 23 सितंबर। तो याद रखना, अभी से आप फिल कर दो, क्योंकि 2 तारीख स्टार्टिंग डेट है और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर। हम यहाँ पर बात करें कोलेटर ऑफ प्री एग्जाम, देखो इसके दो एग्जाम होते हैं, एक तो होता है प्री और एक होता है मेंस, इन दोनों के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। मैं यहाँ पर बात करूँ प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम का कोलेटर आप कब डाउनलोड कर सकते हो, आप 17 नवंबर 2020 को डाउनलोड कर सकते हो। और आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका प्री एग्जाम होगा, एक तो 5 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा और एक आपका 13 तारीख होगा। 5, 12, 13 दिसंबर 2020 को आपका प्री एग्जाम हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आएगा 31 दिसंबर 2020 को। रिजल्ट कब आएगा, 31 दिसंबर 2020 को आपका रिजल्ट आएगा। हम यहाँ पर बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम का कोलेटर आप डाउनलोड कर सकते हो 12 जनवरी 2021 में। कब, 12 जनवरी 2021 में आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो पेपर होगा 24 जनवरी 2021 को मेन एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप डेट याद रखना और बिल्कुल अच्छे से जो भी आईबीपीएस में जाना चाहता है अच्छे से तैयारी में लग जाए, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है और बिल्कुल कमी है, तो आप लोगों की आप तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाए। यहाँ पर हम बात करें सैलरी की, कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो जॉब सैलरी है 7200 से लेकर 19300 आपकी सैलरी होगी। हम बात करें कि जो सर हम फॉर्म फिल करेंगे तो फीस कितनी लगेगी, तो इसमें जो फीस लगेगी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। और हम यहाँ पर बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो इनकी फीस है 175 रुपये। तो गाइस, यहाँ पर मैंने बिल्कुल शॉर्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में आपको जानने को मिलेगा कि प्री एग्जाम में क्या आएगा, मेन एग्जाम में क्या आएगा। अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर सिलेबस डाल दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो गाइज, आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।